बांकी बिहारी लाल की जय। आज मैं आप सभी को बिहारी जी के दर्शन कराऊंगा और साथ में हम सभी लोग बिहारी जी की आरती का भी भरपूर आनंद लेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और बिहारी जी के दर्शनों का आनंद लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप बिहारी जी के रोज दर्शन कर सकें और साथ में ब्रज की अनेक जगहों के भी दर्शनों का आनंद ले सकें। सबसे पहले आप सभी लोग बिहारी जी के धीरी के दर्शन कीजिए और धीरी को मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप सभी को पता ही होगा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस में भजन क्यों गाता हूँ, क्योंकि भजन एक वह साधन है जिससे आप अपनी भावनाओं को ठाकुर जी के सामने प्रकट कर सकते हैं। ठाकुर जी के सामने भावनाएं प्रकट करने के कई तरीके होते हैं। जैसे आप सभी ने बिहारी जी मंदिर में कई बार देखा होगा कि भक्त बिहारी जी के दर्शन करते करते रोने लगते हैं। असल में वे भक्त अपने आंसुओं के माध्यम से ठाकुर जी के सामने अपनी व्यथा, अपने भाव प्रकट कर रहे होते हैं। ठाकुर जी को अपनी व्यथा मन ही मन बता रहे होते हैं। ये भी एक तरीका होता है जिससे भक्त अपनी भावनाओं को ठाकुर जी के सामने प्रकट करती हैं। और सबसे अच्छा तरीका जो होता है, जो सबसे मधुर और सबसे सुंदर तरीका है, वो है भजन का तरीका। आप ठाकुर जी के सामने जब भजन के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे तो आपके मन को एक शांति प्राप्त होगी और साथ में आपको एक आनंद की अनुभूति भी होगी और ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मेरी तो आवाज़ अच्छी है नहीं, अगर मैं ठाकुर जी के सामने भजन गाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। भजन गाते वक्त आपके मन में सिर्फ ठाकुर जी के प्रति भाव होने चाहिए। अगर आप भाव से कोई भी भजन गा रहे हैं ठाकुर जी के सामने, तो ठाकुर जी आपके भावों को देखेंगे, ना कि आपके सुरीली आवाज़ को। क्योंकि हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी भाव के भूखे हैं, आपकी सुरीली आवाज़ के नहीं। बस ठाकुर जी की भाव में मग्न होकर आप जब आप भजन गाएंगे तो ठाकुर जी की असीम कृपा आप पर बरसेगी। आप कभी बिहारी जी मंदिर आए तो इस चीज़ को ज़रूर करके देखिएगा और फिर आपको मेरी ये बात याद आएगी। आवाज़ जो होती है वो किसी की भी बुरी नहीं होती है। जब कोई भी भक्त ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी की मस्ती में मग्न होकर, ठाकुर जी के भावों में मग्न होकर जब भजन गाता है तो उसकी आवाज़ अपने आप ही सुरीली हो जाती है, क्योंकि वह भजन भाव से गा रहा है और अपने भजन के माध्यम से ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहा है। अगर आप सभी ने ठाकुर जी के प्रकट की कथा सुनी है तो आप सभी को पता ही होगा कि जब स्वामी हरदास जी अपने भजन में मग्न होकर उस परम आनंद को प्राप्त कर रहे थे, उसी वक्त प्रिया प्रीतम उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए थे। और इसी प्रकार यानी भजन के माध्यम से ही हमारे स्वामी हरदास जी ने प्रिया प्रीतम के साक्षात दर्शनों का आनंद लिया। भजन वह साधन है जिससे आप अपनी भावनाओं को ठाकुर जी के सामने प्रकट करते हैं तो आपके मन को एक आनंद की अनुभूति होती है और साथ में ठाकुर जी की असीम कृपा आप पर बरसती है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्त बिहारी जी के दर्शनों का आनंद ले सकें और उनको दर्शन करा के आप सभी को पुण्य की प्राप्ति हो। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप बिहारी जी के रोज दर्शन कर सकें और साथ में आरती का आनंद भी ले सकें। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय बिहारी जी की।